Hey guys, let's understand the core competencies analysis is strategic framework for value chain analysis. कोई भी डिस्टिंक्टिव या यूनिक स्किल या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है उसे कोर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी है एक्सीलेंट सर्च रिजल्ट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी जो कॉम्पिटिटर्स इजीली इमिटेट नहीं कर सकते। कोर कॉम्पिटेंसीज स्किल सेट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का कलेक्टिव फंक्शन है। कोर कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का प्राइमरी सोर्स है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मदद से अचीव किया जा सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप वुड बी कवर्ड इन वीडियो पार्ट 14 एंड 15 ऑफ दिस चैप्टर। कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने के तीन टेस्ट यूजफुल है। पहली टेस्ट है एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स, मतलब कि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स से अलग है या फिर बेटर क्वालिटी की है या फिर बेटर फीचर्स हैं और वही ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी है। दूसरी टेस्ट है एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, नंबर ऑफ मार्केट्स का एक्सेस होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फेच करे। और तीसरा है डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। द लॉस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बी डिजास्टर फॉर फर्म्स। नोकिया फीचर फोन्स में लीडर था जब तक स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, लेकिन इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनेमिक्स के कारण नोकिया की मोबाइल फोन इंडस्ट्री में जो टॉप पोजीशन थी वो चली गई और अपना बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। बजाज ऑटो जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी थी स्कूटर सेगमेंट में, उनकी भी प्रोग्रेस कम होने लगी जब मोटर बाइक्स इंट्रोड्यूस हुए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि फर्म को कंटिन्यूसली अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो रिलेवेंट रहे इस एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट? कोर कॉम्पिटेंसीज दो सोर्सेज में से आ सकती है, नेमली रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो चलिए पहले समझते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए एनेबल करते हैं। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, इन्वेंटरी, मशीनरी, मनी वगैरह, या फिर इंटेंजिबल लाइक एम्प्लॉइज स्किल, ब्रांड, पेटेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह। रिसोर्स जितना ही इमिटेट करने के लिए डिफिकल्ट होता है उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है कंपनी के लिए। गूगल जो एल्गोरिथम्स यूज करता है सर्च रिजल्ट डिलीवर करने के लिए वो कॉम्पिटिटर्स इजीली इमिटेट नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेट्स की सीक्रेट फॉर्मूला जो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स यूज करता है लाइक कोका कोला, वो कॉपी करने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टूड? दूसरा है कैपेबिलिटीज, मतलब कि कंपनी की ऐसी एबिलिटी जो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करती है और उसका प्रोडक्टिव यूज करती है। सिर्फ रिसोर्सेज के होने से कोर कॉम्पिटेंसी और सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती, राइट? एंड कैपेबिलिटीज स्टेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम्स। वैल्यू चेन अप्रोच को कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टू वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसीज इन करंट बिजनेस। कोर कॉम्पिटेंसीज बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लीड करना चाहिए और कोर कॉम्पिटेंसीज का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूसली वैलिडेट करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी जो एक टाइम पर बेटर है वो शायद कुछ टाइम बाद सेम ना भी रहे, राइट? दूसरा स्टेप है टू लीवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन्स ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी जो एक सेगमेंट में है वो दूसरे एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस का एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अनदर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक का नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस काफी वाइड है फॉर इट्स बैंकिंग बिजनेस, तो वही नेटवर्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च और सेल करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है टू यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकन्फिगर द वैल्यू चेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जब फर्म्स अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन्स को कॉम्पिटिटर्स से बेटर मैनेज कर रही हो तब सोफिस्टिकेटेड फर्म्स हार्डर वर्क करती है ताकि कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज करके वैल्यू चेन को रिकन्फिगर किया जा सके।
जिससे प्रॉफिट्स इम्प्रूव हो सके। अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोइट कर सकते हैं, राइट? टेट्रापेक का एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया गया है, जिसने कोर कॉम्पिटेंसेस का यूज करके वैल्यू चेन को रिकन्फिगर किया है। फीलिंग के लिए ऑन साइट कंटेनर बनाता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज करके। इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटेल डिस्प्ले के लिए रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है और स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी कम चाहिए, जो स्टोरेज हैंडलिंग कॉस्ट को भी कम कर सकता है। और तो और सेल्फ लाइफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जो कस्टमर्स के लिए मोर बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट, नील वेस्टेज स्पेस इन फिलिंग एंड पैकिंग, नो नीड टू रेफ्रिजरेट एंड लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड। इट इज कॉस्ट बेनिफिशियल, राइट? फोर्थ स्टेप है टू यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। एग्जिस्टिंग बिजनेस की स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन न्यू कस्टमर्स भी पा सकता है बाय डेवलपिंग न्यू वैल्यू चेन। फॉर एग्जांपल, फेडेक्स ने अपनी एक्सपर्टाइज इन डिलीवरी ऑफ स्मॉल पैकेजेस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया LL Bean को, जो ओवरनाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। अंडरस्टूड? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hope you have learned from this video. So please like and share the video, comment if you have any doubt or a suggestion, and don't forget to subscribe the channel. Keep watching, keep learning. In short, it is quick. Thank you.